हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 वर्मा प्रेस का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गेस्ट पेपर है उससे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये मैथ्स में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है घातांक और घात। इससे पहले हमने चैप्टर 3 तक का वीडियो ऑलरेडी चैनल पर डाल दिए हैं, तो प्ले लिस्ट क्लास 8 जैसी आती मैं जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं। बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है, ठीक है, सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वर्मा गेस्ट पेपर से डाला हुआ है, वर्मा गेस्ट पेपर का पूरा सोल्यूशन डाला हुआ है। ठीक है, वहाँ से जाके आराम से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे बनाया गया। तो सबसे पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला इस चैप्टर को बनाने से पहले हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि क्वेश्चन बनाने में हम लोग इम्पोर्टेंट है। जैसे a टू द पावर m है इंटू a का पावर n है, तो ये क्या होगा, a टू द पावर m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, अगर a का पावर m है और डिवाइड है, डिवाइड में है a का पावर n, यानी कि a का पावर m और डिवाइड में a का पावर n है, तो इसको लिख सकते हैं a का पावर m माइनस n, यानी कि मल्टीप्लाई में रहेगा तो पावर को जोड़ देंगे और डिवाइड में रहेगा तो पावर को हम लोग माइनस कर देते हैं। अगर पावर के ऊपर पावर है, a का पावर m और उसके ऊपर पावर n है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a का पावर m इंटू n। अगर दो नंबर है, दोनों का पावर सेम है बट नंबर अलग अलग है, ठीक है, a का पावर m है और b का पावर m है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ab का पावर m लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है a का पावर m है और b का पावर m है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a बाय बी का पावर हम लोग m लिख सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग देखेंगे, a का पावर माइनस m है तो इसको लिख सकते हैं 1/a का पावर प्लस m, और इसी तरीके से a का पावर अगर 0 है तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो ये कुछ फार्मूला है जिसको हम लोग इस क्वेश्चन में, मतलब इस चैप्टर में हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि -7 का पावर -5 में -5 का क्या कहलाएगा, तो -5 कहलाएगा क्या चीज़। तो देख, इससे पहले इसको हम समझ लेते हैं कि 7 क्या कहलाएगा। ठीक है, नीचे वाला नंबर को हम लोग आधार बोलते हैं, बेस बोलते हैं, और ऊपर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं घातांक बोलते हैं ना, पावर बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर। तो जो -5 है ना वो पावर कहलाएगा, तो आंसर मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, घातांक। ठीक है, 5 का पावर 3 का सही मान क्या होगा। ठीक है, तो 5 का पावर 3 है मतलब 5 को 3 बार गुना करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको 3 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये हम लोग का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 10 का पावर 3 का क्या मान होगा। तो इसी तरह 10 का पावर 3 है तो 10 को हम लोग कितने बार, 3 बार गुना कर देंगे। ठीक है, तो 3 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो 1000 यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का पावर -3 का सही मान क्या होगा। तो 5 का पावर -3 है, याद रखना -3 है, तो इसको प्लस करने के लिए इसको नीचे ले जाना होगा, तो 5 का पावर 1/-3 हो जाएगा, और 5 का पावर +3 हो जाएगा, और नीचे जाने पर ये 125 नीचे हो जाएगा, यानी 1/125 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी में। 10024 अगर इससे हम लोग इससे बराबर अगर देखा जाए तो क्या होगा, तो ये जो है ना किसके बराबर होगा, 2 का पावर 10 के बराबर होगा। कैसे, अगर 2 को हम लोग 10 बार गुना करते हैं ना, 2 को हम लोग कितना बार गुना करेंगे, 10 बार, तो 1024 के बराबर आएगा। ठीक है, ये सब थोड़ा सा याद रखना होगा या फिर करके देखना होगा। अभी एक फार्मूला बताया था लास्ट टाइम कि 1 का पावर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 है, यानी कोई भी नंबर रहे, एक जगह हम कोई भी नंबर रहेगा, पावर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग पास में 1 का पावर 0 है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ठीक है, अगर 1 का पावर 0 है तो इसका मान होगा 1। 1 का पावर 0 का सही मान क्या होगा, 1 का पावर 0 का सही मान क्या होगा। ठीक है, 1 का पावर 0 है, इसका सही मान हो जाएगा कितना, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ेंगे, 2a का पावर 0 है, तो हम बताए थे कि अंदर में क्या है वो उससे मतलब नहीं, पावर में क्या है, अगर पावर में 0 है तो इसका वैल्यू 1, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। 13 का पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1। 1100 का पावर 0 है तो इसका वैल्यू भी क्या जाएगा, 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग 10 क्वेश्चन नंबर तक बना लिए, अब इधर हम लोग दूसरे साइड के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 11 में भी सेम क्वेश्चन है, इसको हम नहीं बताएंगे किसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर हम बताते हैं, 3 का पावर 4 है, यानी 3 को 4 बार गुना करना है। ठीक है, तो करते हैं, 3 * 3 = 9, 9 * 3 = 27, 27 * 3 कितना होता है, 81 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसी तरीके 1/-3 = 1/3 है, 1/3 = -3 है, तो माइनस को अगर प्लस करना है तो ऊपर ले जाएंगे, तो 3 का पावर 3 हो जाएगा, यानी कि 27 आएगा आंसर। ठीक है, प्लस में ऑप्शन नंबर ए हम लोग का इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, इसमें हम लोग देख रहे हैं -7 का पावर 3 है,
तो माइनस सात को तीन बार गुना करना है, माइनस सात को हम लोग क्या करेंगे, तीन बार गुना करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जो भी आएगा माइनस में, सात सत्तर उनचास होता है, उनचास सत्तर कितना होता है 343 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगर ऐसा रहेगा तो एक बटा थ्री का पावर माइनस होल पावर ऐसे रहेगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ये माइनस वन का जो पावर है ना इसको हम लोग अलग अलग कर देंगे, ठीक है, कि वन का पावर माइनस फोर, और या फिर एक काम ये कर सकते हैं कि इसको पलट देंगे, तीन ऊपर और वन को नीचे कर देंगे तो ये पावर प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो तीन का पावर चार बार करेंगे तो कितना आता है 81, और नीचे एक का पावर चार बार तो एक, यानी कि 81 आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, नीचे एक हम लोग नहीं लिखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, है ना, बहुत ईजी है। देखिए नीचे वाला सेम सेम है, पावर अलग अलग है, तो दोनों के पावर को क्या करना है, एक्स का पावर क्या हो जाएगा, पावर हम लोग जोड़ देंगे तो एम प्लस एन हो जाएगा, ठीक है। तो पावर जुड़ जाएगा, एम प्लस एन हो जाएगा, ये भागा में है तो इसका पावर क्या हो जाएगा, इसका पावर क्या हो जाएगा, देखिए एम की जगह हम जीरो है, एम की जगह हम कितना है जीरो है, ए की जगह हम जीरो और भागा बी की जगह हम जीरो, एम की जगह हम जीरो, तो उसका वैल्यू वन, इसका वैल्यू भी वन, वन को वन से भागा देंगे तो वन आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। यदि माइनस ए का मतलब ए का वैल्यू माइनस वन है और बी का वैल्यू टू है, तो ए का पावर बी और बी का पावर ए बताना है, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ए का पावर बी करना है, तो ए का पावर बी करने के लिए क्या करेंगे, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है माइनस वन, इसका पावर बी, बी मतलब टू प्लस, इसका उल्टा बी का पावर एक, तो टू का पावर माइनस वन कर देंगे, ठीक है। तो इसको दो बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, प्लस ये माइनस है तो नीचे चला जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो भिन्न का जोड़ करना होगा, तो दो एका दो हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तिरछा गुना, तो दो को एक से, तो दो एका दो और एक को एक से, तो एक एका एक, तो तीन बटा दो हो गया, जो कि हम लोग का आंसर होगा। तो तीन बटा दो किस में, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। उन्नीस नंबर का क्वेश्चन एकदम सेम क्वेश्चन है, इसको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। तो ये आपके ट्राई करने के लिए हम छोड़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये भी क्वेश्चन सेम है, इसको ट्राई करना है, इसको भी ट्राई करना है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन खुद से आप ट्राई कीजिए। एक क्वेश्चन ये हम बता देते हैं, ठीक है, ये भी बन जाएगा, इसको भी नहीं बताएंगे, इसमें आते हैं हम लोग, है ना। आठ है गुना दस का पावर तीन है, तो हम लोग आठ को क्या लिख सकते हैं, दो का पावर तीन लिख सकते हैं, गुना दस का पावर माइनस तीन है, ठीक है। तो इसको हम लोग दो का पावर तीन लिख सकते हैं, और ये दस नीचे चल जाएगा तो तीन हो जाएगा प्लस में, तो दो बटा दस का पावर हम लोग लिख सकते हैं तीन, ठीक है। अब इसको एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो कितना हो जाएगा ये, या फिर इसका स्क्वायर कर दिया जाए, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया जाए तो दो दो का सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब कर दिया जाए, तो दो को क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा, आठ मिलेगा, और दस का क्यूब यानी घन कर देंगे कितना मिलेगा, एक हज़ार यानी तीन जीरो। तो इसको हम लोग आंसर में लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तीन अंक के बाद क्या लिखेंगे, दशमलव, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, तीन दशमलव पाँच है, इसका पावर माइनस है, नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी सात जीरो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सात जीरो हो जाएगा, ठीक है, नीचे में तीन और ये तीन छः और ये सात जीरो। तो हम लोग क्या करेंगे, इस यहाँ से सात अंक आगे बढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ से हम लोग सात अंक, एक दो तीन चार पाँच छः सात दशमलव जीरो है ना, तो ये हम लोग का आंसर होगा। तो जिसमें ऐसा आंसर होगा जिसमें एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात अंक होगा, वही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसका मानक रूप लिखना है, ठीक है, ये फाइव के रूप में, यानी जीरो दशमलव जीरो जीरो पाँच है ना, ये दशमलव को पीछे ले आएंगे तीन अंक, हो जाएगा पाँच दशमलव जीरो इंटू टेन का पावर माइनस थ्री हो जाएगा, ठीक है। तो 5.0 ने सिर्फ 5 लिखेंगे और 10 का पावर माइनस थ्री लिखेंगे, तो ऑप्शन नंबर ये बी में है, तो ये हम लोग का सही आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, इसका मानक रूप लिखना है, तो एक यहाँ से आप ध्यान दीजिए, ठीक है, यहाँ से आपको क्या ध्यान देना है बता रहे हैं, यहाँ देखिए डेसिमल के पीछे एक दो तीन चार पाँच छः, टोटल कितना नंबर है, छः है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे एक अंक के हम आगे रखेंगे, ठीक है, यानी 8.5 रख यहाँ लिखेंगे, तो पॉइंट यहाँ पर आया, एक दो तीन चार पाँच, पाँच अंक पीछे आया, तो 10 का पावर माइनस पाँच हो जाएगा, ठीक है, आगे जाने पे प्लस और पीछे जाने पे माइनस होगा। तो ये ऑप्शन नंबर आपको कहाँ मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी में ही आपको मिलेगा, तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 27 नंबर क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन है, यहाँ पर लाएंगे 1.5 करेंगे, ठीक है। तो जब 1.5 हम लोग करेंगे 27 नंबर क्वेश्चन में, जब हम लोग 1.5 करेंगे, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः सात,
ये सात हो गया, यानी सात अंक पीछे जाएगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10^7। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये कहाँ पर मिलेगा, डी में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पास में 28 है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, उसको बना लेंगे। 19 नंबर सेम टाइप का क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या है कि 3 0 है, तो 10^3 हो जाएगा, और ऊपर आगे में कुछ नहीं है, क्या 1 लगा देंगे, यानी 1 × 10^3 हो जाएगा, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही और राइट आंसर होगा। तो हम लोग यहाँ तक कर लिए हैं, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। क्वेश्चन नंबर 30 है, 2 कितना है, 2^0 है प्लस में 3^0 है, तो पावर 0 है तो दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा, जोड़ने पर 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। इसमें भी 1, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, जोड़ने पर 3 हो जाएगा, इसका 1, इसका 1, इसका 1, गुना कर देंगे तीनों का, क्या 1 ही आएगा। ठीक है, ये दोनों का पावर देखिए है ना, 3^2 है, तो यानी 3 को 2 बार गुना करेंगे, और 2^0 मतलब 1 हो गया, और 10^4 है, तो ये 3^ मतलब क्या हो गया, 9, और प्लस 1, अगर इसको पूरा जोड़ देंगे तो हम लोग क्या बना सकते हैं, इसको 10 बना सकते हैं, 10^4 है, तो 10^1 और गुना में 10^4 है, जोड़ेंगे तो 10^ कितना हो जाएगा, 5, यानी ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, जहाँ पर 10^5 होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कि 2^-1, उसके ऊपर में 5 है, गुना 32 है, तो इसको लिख सकते हैं 2^ क्या लिख सकते हैं, -5 लिख सकते हैं, गुना करने पर 32 को भी लिख सकते हैं 2^5। ठीक है, तो ये नीचे चला जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, या फिर ऐसे ही कर देते हैं कि 2^-5 +5 हो जाएगा, तो ये जोड़ के कितना हो जाएगा, 0 0, मतलब इसका वैल्यू 1 आना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1, तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होना चाहिए 1, ये जबकि सही आंसर है। ठीक है, 34 के बाद 35 में हम लोग बढ़ते हैं, 2^1 मतलब होता है 2, गुना 2 मतलब होता है 5×25, और 7^0 मतलब 1, 25×50 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसी तरीके ये क्वेश्चन और अच्छा, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, 10 को 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, प्लस 0 करेंगे, ठीक है, तो 0 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 38 नंबर में हम लोग बढ़ते हैं, 2^2 है तो ये 4 बन जाएगा, और 5^2 है तो ये 25 बन जाएगा, 25×100 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, अच्छा इसको एक्सपोनेंट में अगर लिखा जाए तो किसके बराबर होगा, ये 100 के बराबर भी होगा। ठीक है, ये 10^ इसके बराबर भी होगा, इसमें से तो आंसर पूरा इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं, 5^2 मतलब कितना हो जाता है, 25, अब 5^1 मतलब 25, और 5^0 मतलब 1, 25×125 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, इसी तरीके ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, एक इस क्वेश्चन में आते हैं, 42 नंबर में हम लोग आते हैं, अब 42 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं। तो 42 नंबर में क्या है कि एक्स का वैल्यू कितना है, 1, तो एक्स का वैल्यू अगर 1 है, एक्स का वैल्यू 1 है तो एक्स की जगह हम 1 रख देंगे, और उसका पावर कितना है, 0, तो एक्स 1^0 मतलब 1 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एक्स का पावर 0 है, मतलब एक्स का वैल्यू 0 है और पावर में भी 0 है, तो 0^0 करेंगे तो कितना आएगा, फिर भी आएगा 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर, अच्छा ये जो वैल्यू है 0^0 ये अपरिभाषित होगा। ठीक है, सॉरी, ये अपरिभाषित होगा, जिसका परिभाषा अभी तक खोजा नहीं गया है। ठीक है, 0^0 के क्या वैल्यू क्या होगा, इसको कोई नहीं बताया जा सकता है। ठीक है, इसको हम लोग बता नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग, 2^2 कितना है, 2^2 हम लोग पास में है, क्वेश्चन नंबर 44 में, 2^x+3 है बराबर 1 है, तो 1 के आगे ऊपर में कितना पावर, 1। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2^0 भी लिख सकते हैं। ठीक, तो हम लोग से यहाँ x+3 = ये वाला पावर और ये वाला पावर बराबर होगा, क्योंकि नीचे वाला बेस वाला नंबर बराबर है। ठीक है, तो यहाँ 0 लिख देंगे, तो x=3 उधर ले जाएंगे 0 के साइड में, तो -3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। सेम चीज़ यहाँ आपको करना है, यहाँ लिखना है x^0 लिख देना है। ठीक है, सॉरी 1^0 लिख देना है, तो x-3 = 0 आएगा, तो x=+3 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बहुत ही कम क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं, या सेम टाइप का क्वेश्चन है तो छोड़ भी देंगे, ये सारा सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में,
चैप्टर 5 संख्याओं के साथ खेलना, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, साथ में बेल आइकन को हिट कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। मिलेंगे हम लोग इसी तरह के वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय झारखंड।